केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा के एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में एक बार एक स्वराज नाम की किताब छपी, जिसके लेखक अरविंद केजरीवाल थे। उसमें उन्होंने देश की सरकारों पर आरोप लगाए कि सरकार जनता से पूछे बगैर ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती और खूब पैसे बटोरती है। मगर आज इसके विपरीत हम केजरीवाल से सवाल पूछते हैं कि उनकी सरकार ने किससे पूछकर दिल्ली में शराब के ठेके खोले और उसके लिए किससे कितने पैसे लिए, इसका जवाब दें। अरविंद केजरीवाल मॉडल डिकोडेड, यू हैव ऑल द पावर टू मेक मनी थ्रू करप्शन, स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज ऑन योर पब्लिसिटी विथ नो अकाउंटेबिलिटी, and when you get caught you have no accountability but you fix liability on someone else. Desh mein kitab chhapi thi jiska naam Swaraj, lekhak Arvind Kejriwal ji. Swaraj mein Arvind Kejriwal ji ne likha hai ki sarkarein janta se bagair puche theke baantti hai, mahilaon se nahi poochti, paise batorti aur theke de deti hai. Hamara sawal ye hai, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूँगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आपकी सरकार ने ये मोहल्ला ठेका देने के लिए किस किस से क्या क्या लिया? आपका मॉडल ये हो गया, पैसे दो ठेका लो, और आज तक इनका एक भी प्रवक्ता, एक भी मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पूरी शक्ति है पैसा बनाने की। सैकड़ों करोड़ रुपया अपने प्रसार पर, प्रचार पर खर्च करते हैं, जो जनता की गुड़ कमाई का पैसा है। जब पकड़े जाते हैं तो जवाबदेही इनकी कोई नहीं होती और दूसरों पर दायित्व तय कर देते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं है। जो दवा देने वाले काम करते थे वो आज जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक वाले, और जो मोहल्ला दारू देने वाले हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नंबर वन पर लगे हैं, लेकिन किंग पिन आज भी चुप है, मौन है। आखिर केजरीवाल जी का मौन कब टूटेगा? भ्रष्टाचार, जो घोटाला, दारू घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, उस पर केजरीवाल सरकार कब बोलेगी? अरविंद केजरीवाल जी कब बोलेंगे? जनता पूछती है, ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। और मैं कह दूँ, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी, शिक्षा विभाग भी और शराब विभाग भी, ये एक ही व्यक्ति के पास है, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। पैसा दो ठेका लो, और बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचार। आखिरकार अगर इनकी शराब नीति इतनी ही शानदार थी तो वापिस क्यों ली? सवाल आज ये खड़ा होता है, जब सीबीआई ने दस्तक दी तो शराब नीति वापिस ली, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार? ये सब परतें खुल के सामने आएगी जब जांच पूरी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट बांटते थे सत्येंद्र जैन जी को, आज वो भी जेल में 3 महीने से ज़्यादा, यही सर्टिफिकेट बांट रहे ईमानदारी का मनीष सिसोदिया जी को, जो आरोपी नंबर वन है, और किंग पिन बांट रहा है आरोपी नंबर वन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट। ये केजरीवाल मॉडल है, इनके भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल मॉडल ही भ्रष्टाचार का मॉडल है, कि भ्रष्टाचार में नंबर वन कैसे बनना है, इसके लिए सरकार कैसे पूरे प्रयास करती है।
स्वराज में जो उन्होंने कहा, ये स्वराज नहीं शराब राज है। मैं फिर कहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी ने किताब तो स्वराज लिखी लेकिन शराब राज लेकर आए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरुपजीत निपी की रिपोर्ट।